तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वन प्लस का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन एंड सबसे ज्यादा फास्ट चार्ज होने वाला फोन। बहुत ही अमेजिंग तीन कैमरा के साथ आता है। अभी जहां हर कंपनी आपको बॉक्स के साथ चार्जर नहीं देती, यहां आपको बहुत ही पावरफुल चार्जर मिलता है। अगर हम कलर वेरिएंट की बात करें तो ये दो वेरिएंट में आता है, एक मूनस्टोन ब्लैक एंड जेड ग्रीन। मेमोरी और रैम की बात करें तो टोटल तीन वेरिएंट है, एक 8 GB रैम 128 GB रोम के साथ आता है, एक 12 GB रैम 256 GB रोम के साथ आता है और तीसरा जो 16 GB रैम और 256 GB रोम के साथ आता है। अगर हम बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपके फोन के प्रोटेक्शन के लिए इसके साथ एक बैक कवर आता है जो सिलिकॉन का बहुत ही प्रीमियम कवर है। इसके साथ आपको 160 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है जो आपके फोन को 19 मिनट्स में 0 से 100 चार्ज कर सकता है। इसके साथ आपको प्रीमियम क्वालिटी रेड कलर चार्जिंग केबल मिलता है जो बोथ साइड सी टाइप है और एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। वन प्लस 10T का फोन मिलता है, यूजर मैनुअल और स्क्रीन प्रोटेक्टर जो ऑलरेडी मोबाइल में लगा हुआ। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो इसका वेट लगभग 204 ग्राम के आसपास है। बहुत ही अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको कहीं से भी ये हैवी नहीं लगेगा। फ्रंट और बैक दोनों में आपका गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है जो आपके फोन को बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देती है। अगर आप नीचे साइड में देखें तो आपको पहले मिलेगा डुअल सिम ट्रे जिसमें आप दो सिम लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड का कोई जगह नहीं दिया गया है। उसके बगल में आप देखेंगे माइक, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और डुअल स्टीरियो स्पीकर जो आपको बहुत ही क्वालिटी म्यूजिक प्रोवाइड करता है। राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा पावर बटन, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाएगा, टॉप साइड में आपको सेकेंडरी माइक और जो कैमरा का जो मॉड्यूल है उसमें आपको नो बंप देखने को मिले। आप अगर बैक साइड में देखते हो तो ये एक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो ये 6.7 इंच फुल HD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिफ्रेश रेट है 120 Hz और एक फास्ट रिफ्रेश रेट है। टच सैम्पलिंग रेट अप टू 1000 Hz। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 950 निट्स के साथ आता है। HDR10 प्लस सपोर्टेड है और 10 बिट डिस्प्ले है। अगर हम बॉडी टू स्क्रीन रेशियो की बात करें तो 87.9% स्क्रीन रेशियो है। आपको नॉर्मली हर तरफ ये बेजल बहुत ही थिन दिखेगा, चिन भी आपका बहुत थिन है। 394 PPI डेंसिटी के साथ आती है पिक्सल पर इंच, तो आप कोई भी वीडियो प्ले करो वो बहुत ही क्लियर दिखेगा। टॉप नॉच डिस्प्ले है, ब्राइट है, कलरफुल। अगर हम सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करें तो ये एंड्रॉइड 12 ऑक्सीजन OS 12.1 के साथ आता है जिसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलता है। अब प्रोसेसर पे आते हैं दोस्तों। प्रोसेसर आपको क्वालकॉम SM8475 स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया है जो 4NM में रन करता है। रोम की अगर बात करें तो UFS 3.1, रैम की अगर बात करें तो LPDDR5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आती है जिसमें 8 कोर्स होते हैं। गेमिंग के लिए इसमें एड्रिनो 730 GPU दिया गया है जिससे आप बहुत ही आसानी से हाई एंड गेम्स खेल सकते हैं। इसमें एक 3D कूलिंग सिस्टम दिया गया है जो आपके फोन को ठंडा रखेगा। हाइपर बूस्ट गेमिंग इंजन दिया गया है जिससे आप कोई भी हाई एंड गेम आराम से बिना लैग का खेल सकते हैं। और इसमें सारा सेंसर्स दिया गया है जो फोन में होना चाहिए, इंक्लूडिंग NFC। अब अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें लिथियम पॉलीमर 4800 mAh की बैटरी दी गई है जिससे आप आराम से एक दिन हाई यूसेज में चला सकते हैं। चार्जिंग की बात करें तो इसके जो चार्जर है वो 160 वॉट चार्जर है जो आपके फोन को 0 to 100 सिर्फ 19 मिनट्स में चार्ज कर सकता है। 10 मिनट में ये आपके फोन को अप्रोक्सीमेटली 67 to 68% चार्ज कर सकता है। इसमें एक फीचर दिया गया है बैटरी हेल्थ फीचर जो मॉनिटर करता है बैटरी के हेल्थ को, बिकॉज 160 वॉट का चार्जर है तो इसमें ये फीचर आपके बैटरी को जल्दी खराब नहीं होने दे। अब अगर कैमरा की बात करें तो इसमें आता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप विद डुअल LED फ्लैश। प्राइमरी कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का है जो सोनी IMX766 सेंसर के साथ आया है और ये OIS सपोर्ट करता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल्स कैमरा है और इसके साथ 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है। आप इस पे 4K वीडियोस 30-60 फ्रेम्स में, 1080p वीडियोस 30-60 240 फ्रेम्स में आप ले सकते हैं। इसमें और एक फीचर दिया गया है इमेज क्लैरिटी इंजन। अगर आप कोई भी फोटो को जूम करके या तो कोई भी फोटो अगर हेजी आती है तो ये फोन ऑटोमेटिकली उसमें क्लैरिटी ला देगी। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया जाता है जो HDR सपोर्ट करता है और 1080p में 30 फ्रेम्स के रेट से ये वीडियो रिकॉर्ड करता है। बस ये फोन में आपको तीन चीज देखने को नहीं मिलेगा जो है IP सर्टिफिकेशन आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको FM रेडियो नहीं मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं है और वन प्लस का जो मॉडल में जो पुराने मॉडल्स में जो अलर्ट स्लाइडर आते थे वो इसमें मिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम फ्यूचर में
टेक के रिगार्डिंग और अच्छे वीडियोस ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस लाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।